जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग बताइए कैसे हैं चलिए बहुत बढ़िया सभी लाइव है हैं। बहुत अच्छी बात है आज ये कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था हमें क्वेश्चन नंबर 46 से जो है वो आगे करना था बहुत अच्छे भाई जय हिंद गुड मॉर्निंग ससेया काल राधे राधे चलो बढ़िया भाई बढ़िया है सभी तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 46 से करना है आगे बढ़ना है सवाल में कहा गया है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर xyz डिवाइडेड बाय 31 ठीक है, the remainder are 17, 24 and 27. मतलब को जब आप से करते हैं, तो कहा गया है कि एक्स के चार गुना वाई का दो गुना और जेड का तीन गुना को जब आप इकतीस से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा जैसे आप हमेशा इस बात को समझना सीजीएल का ये मेंस का क्वेश्चन है चूंकि हवाल जो है हलवा सवाल है ठीक है एक बार देखो आप लोग इस सवाल को तो देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे सवालों को देखिए आपको जैसे कि ये है आपका, कहा गया है कि जब x को हमने रिमाइंडर तो कितने का मिला तो जो हमें रिमाइंडर मिला वो सत्रह का मिला समझ में आ गया बात यहाँ पे जब हमने y को भी इकतीस के साथ डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितने का मिला तो रिमाइंडर हमें चौबीस का मिला और फिर उसके बाद जब हमने जो है जेड को डिवाइड किया किसके साथ इकतीस के साथ तो हमें जो रिमाइंडर मिला वो कितने का मिला सत्ताईस का मिला आज हमसे कहा जाता है कि एक्स के चार गुना को यानी फोर एक्स को फिर उसके बाद यहाँ पर वाई के दो गुना को और जेड के तीन गुने को आप इकतीस के साथ डिवाइड करो मैं आपसे ये बात कहता हूं कि जब आप एक्स को जो है इकतीस के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था सत्रह आ रहा था तो अगर एक x को हम जो है सिर्फ देखो यहाँ पर अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे 4x एक्स डिवाइडेड बाई थर्टी फिर उसके बाद हम कहेंगे 2y वाई डिवाइडेड बाई थर्टी फिर उसके बाद हम कहेंगे 3z जेड डिवाइडेड बाई थर्टी फिर उसके बाद हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई थर्टी इसको हम कह सकते एक्स बोटेस एक का मान सत्रह क्योंकि जब एक्स को आप इकतीस के साथ भाग करते हो तो सत्रह मिलता है तो सत्रह का चार गुना कितना आ जाएगा अड़सठ आ जाएगा उसी तरीके से वाई को इकतीस के साथ करते हो तो चौबीस मिलता है तो चौबीस का दो गुना कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा उसी तरीके से जेड को इकतीस के साथ भाग करते हो तो सत्ताईस मिलता है तो सत्ताईस का तीन गुना कितना हो जाएगा इक्यासी हो जाएगा और जब भी ये आता है तो वापस इसको किससे भाग कर देंगे इकतीस के साथ भाग कर देंगे अड़सठ में से जब आप अड़तालीस को घटाएंगे तो बीस होगा और बीस और आपका इक्यासी कितना हो गया एक एक हो जाएगा को और आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है बाकी कोई बच्चा अगर इस सवाल को देखता तो वो तुरंत बोलता कि भैया देखो तुम एक बार एक्स को डिवाइड कर रहे हो ना इकतीस के साथ तो तुमको सत्रह मिल रहा है तो तुम एक्स के चार गुना को करोगे यानी तुम्हें सत्रह का चार गुना सीधा का सीधा अड़सठ मिलेगा समझ में आ रहा है बात आपको आप सीधा का सीधा इस सवाल को कैसे करते हैं आप इसको शॉर्ट में सीधा का ऐसे उड़ाते आप बोलते यार ये मेंस का नाम पर ये सवाल धब्बा है और कुछ नहीं है आप बोलते हैं सत्रह का चार गुना कितना हो गया अड़सठ हो गया फिर उसके बाद जब आपने कहा कि वाई से डिवाइड करते हैं तो चौबीस आ रहा है तो वाई के दो गुने से करेंगे तो कितना आएगा चौबीस का दो गुना अड़तालीस आएगा यानी माइनस ठीक है फिर उसके बाद हम जब जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है तो जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो सताइस आ रहा है जेड से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सताइस आ रहा है तो हमने कहा कि जेड के तीन गुने को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा तो सताइस का तीन गुना कितना हो जाएगा सताईस का तीन गुना इक्यासी हो जाएगा इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किसके साथ इकतीस के साथ तो हमने इकतीस के साथ इसको बकायदा डिवाइड किया अड़सठ में से अड़तालीस चला गया तो कितना हो गया बीस हो गया और बीस में हम इक्यासी को जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे इकतीस के साथ तो हम बोलेंगे सर 101 एक सौ एक बट इक्यासी एक सौ एक बट इकतीस इकतीस का तीन गुना तिरानवे होता है तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा आठ बचेगा यानी आठ जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हम डायरेक्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो है वो आंसर दे सकते हैं क्लियर है दोस्तों समझ में आ आ गया बात यहां पे जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से बोला गया है कि जब तीन संख्याएं हैं एबीसी करके उनको तेरह से हमने डिवाइड किया है तो जो हमारे सेशवल है रिमाइंडर है वो नौ सात और दस है अगर आप ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी को आप डिवाइड करते हैं यानी मैं कह रहा हूं कि आपने ए से डिवाइड किया जो रिमाइंडर आया उसको यहां पर लिख दो तो आपने कहा सर देखो यहाँ ए के जगह पर कितना लिख देंगे नाइन लिख देंगे ठीक है। बी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सात आया तो सात का दो गुना कितना हो गया चौदह हो गया सी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया दस आया तो यहां पर दस का पांच गुना कितना हो गया पचास हो गया इनको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर पचास दस साठ साठ सत्तर तिहत्तर यानी जो आया है वो कितना आया है 73 आया है और जब इस 73 को हम जो है 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो 13 का पांच गुना पैंसठ होता है यानी रिमाइंडर कितना आ आ जाएगा जाएगा वापस से 8 आ जाएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो कितना होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ रहे हैं बात को आप क्लियर है आपके लिए बताइए बहुत ही सिंपल है कि ए के स्थान पर नौ रखेंगे बी के स्थान पर सात रखेंगे सी के स्थान पर दस रखेंगे तो नौ हो गया सात का दो गुना चौदह हो गया दस का पांच गुना पचास हो गया पचास साठ सत्तर तिहत्तर हो गया उस तिहत्तर को जब हम जो है तेरह के साथ अगर हम डिवाइड करें तो तेरह का पांच गुना पैंसठ होता है कितना बच जाएगा शेषफल आठ आंसर होगा देखिए आप के क्वेश्चन सही है आपके ठीक है हलवा सवाल है और कुछ नहीं है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया एक्स इज द रिमाइंडर ठीक है जब तीन के पावर तीन के पावर छ एक दो आठ चार छ एक दो आठ चार को जो है डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ पांच के साथ कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है एक्स आ रहा है और कहा जा रहा है कि जब चार के पावर छानबे को चार के पावर छियानवे को जो है हम डिवाइड करेंगे किसके साथ चार के पावर छानबे को हम डिवाइड करेंगे छ के साथ तो रिमाइंडर हमारा कितना वाई आ जाएगा तो सवाल में बोला गया है टू एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आशुतोष शाह कहते हैं सर मैंने आपका बैच हेड ऑपरेटर के लिए परचेस किया है प्लीज कि आप आप प्रोवाइड पूरा पूरा आप है. है? आपको एक एक सवाल एक एक, मेरे concept, एक, -एक तरीके मेरे आपको बाई हार्ट याद है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई कंसेप्ट को ध्यान में रखना ठीक आ जाइए <coughs> तो सवाल में हमसे कहा गया है कि सर इसको डिवाइड करके लेके आना है और x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है अब आप लोगों को है ना रिमाइंडर का हम थोड़ा सा दूसरा पहलू लेकर चलते हैं थोड़ा सा दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं ठीक है जैसे मानिएगा कि आप एक बात को समझिए एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर दो तरह के रिमाइंडर्स होते हैं कहानी क्या क्या होती है समझिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम छे को जो है वो पांच के साथ भाग करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना जाना है छे को अगर हम देखें तो पांच से भाग लगाए तो पांच एकम पांच हो जाएगा रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो हमने कहा छः को जब हमने पांच से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया प्लस वन आ गया ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यदि अगर हम चार को भाग करते हैं पांच के साथ तो बच्चे कहते हैं कि सर इसका रिमाइंडर जो है देखो पूरा का पूरा चार यानी प्लस फोर हो जाएगा लेकिन आप चाहें तो इसको प्लस फोर भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर इसके पास एक रुपया और होता ना तो ये पांच से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता इसके पास एक की कमी है क्या है तो एक की कमी है यानी इसका रिमाइंडर माइनस है इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर इसको कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर मेरी बात को समझिएगा आप ठीक है क्योंकि अब हमने रिमाइंडर के दूसरे केसेस पढ़ने शुरू कर देने हैं अब तो हमने कहा ठीक है सर छे को पांच के साथ भाग करने पर एक आ रहा है चार को पांच से भाग करने पर या तो प्लस का चार आ रहा है नहीं तो माइनस का वन आ रहा है ठीक है उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कि सात को जब आप पांच के साथ भाग करते हैं तो या तो आपको दो ज्यादा मिलता है पांच के पहाड़े से दो ज्यादा मिलता है ठीक है यानी पांच से दो ज्यादा मिलता है या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर इसके पास तीन रुपया और होता ना तो ये दस बन जाता और दस जो है वो कट जाता है यानी इसके पास रिमाइंडर जो है वो माइनस तीन है ठीक है तीन की कमी है इसके पास तो ये रिमाइंडर के कंसेप्ट हमें स्पेशली ध्यान में रखने हैं ताकि हम समझे ठीक है उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है सात को पांच से भाग करते हैं तो रिमाइंडर या तो दो आता है, या फिर तीन कम आता है। हमने कहा है सवाल आपसे आप ये पूछा गया कि अगर तुम दो को जो है तीन से भाग करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर कितना मिलेगा सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप दो को तीन से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा आप बोलेंगे सर जब हम दो तीन से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर हमारा या तो हमारा प्लस का दो आना है नहीं तो सर माइनस का वन आना है समझ में आ गया बात अगर कल के दिन हम दो, के को, दो के को हम तीन से भाग करेंगे दो के स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है दो के स्क्वायर का मतलब होता है दो गुने दो कितना हो जाता है दो गुने दो और जब हम उसको तीन के साथ भाग करेंगे तो हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है ये जब तीन इस दो को जो है भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा माइनस वन आएगा और ये जब तीन इस दो को भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आएगा को के साथ गुना करने पे कितना हो जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि दो के क्यूब को तीन से भाग करना है तो हमने कहा दो का क्यूब क्या होता है तो दो का क्यूब होता है दो इंटू दो इंटू दो, इंटू दो ठीक है और इसको मुझे किससे भाग करना है इसको मुझे तीन के साथ भाग करना है तो हमने हाँ कहा जब हम दो तो माइनस वन आता है इस तो माइनस के साथ भाग करते हैं तो माइनस वन आता है तो माइनस वन, वन को जब हम तीन बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा और ये माइनस वन जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा समझ रहे हैं आप बात को क्लियर है आपको ये बात सेम तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि दो के पावर चार को अगर हम तीन के साथ भाग करना चाहते हैं दो के पावर चार का मतलब दोस्तों क्या होता है कि दो की गुना कितनी बार की गई है तो चार बार की गई है टोटल कुल मिलाकर और किससे भाग किया गया है तो तीन से किया गया है जब ये तीन इसको भाग करेगा तो माइनस वन आएगा जब ये तीन इसको भाग करेगा तो माइनस वन आएगा या फिर हम सीधा का सीधा कह सकते हैं कि आप इतना ना लिपा पोती करके आप सीधा बोल सकते हैं कि सर देखो जब आप तीन को जो है जब आप दो को तीन से भाग करते हो तो माइनस वन आता है और माइनस वन का पावर फोर कितना हो जाता है तो सर माइनस वन का पावर फोर वन हो वो जाता है यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है तो वन जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है तो इस तरीके से अब हमारे सवाल पूछे जाएंगे कुछ सवाल पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके बाद आप जो है आगे बढ़ते रहना कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी जैसे मान लीजिए कि कुछ सवाल पहले बेसिक बेसिक आप मुझे बताइए ठीक है तेरह को हम बारह के साथ गुना करते हैं और उसको हम चौदह के साथ गुना करते हैं साथ में हम इक्कीस के साथ और इन सबको हम पांच से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा हमारा रिमाइंडर कितना आएगा आंसर बताइए पहले सवाल का दूसरे सवाल का आंसर बताइए यहाँ पे ठीक है दूसरे सवाल का दो हजार इक्यानवे ग्यारह सौ संतानबे उन्नीस सौ बयासी इसको जब हम यहाँ पर दो के साथ भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा फिर इसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे 143 190 167 अगर हम इसको तीन से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा ये तीन सवाल हैं और ये तीन सवाल जो हैं ठीक है थीके? ये तीनों का आंसर आप दीजिए कि तीनों का आंसर कितना होगा आंसर दीजिए आंसर दीजिए सभी सिंपल है या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर कह सकते हैं नहीं तो आप नेगेटिव रिमाइंडर कह सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आराम से तसल्ली से चलिए तो हमने कहा सर ठीक है देखते हैं एक बात यहाँ पे बड़ा प्यास है जब हम तेरह को पांच से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा तो हम कहेंगे सर रिमाइंडर हमारा तीन आएगा जब बारह को पांच से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का दो आ जाएगा जब हम चौदह को पांच से भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं सर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा तो हम कह सकते हैं सर या तो प्लस का वन आ जाएगा नहीं तो सॉरी प्लस का फोर आ जाएगा नहीं तो माइनस का वन आ जाएगा तो हमने कहा सर कोई बात नहीं यहां पर जो है हम प्लस में ही ले लेते हैं रिमाइंडर को रिमाइंडर को प्लस फोर ले, ले लेते हैं इक्कीस को जब पांच के साथ करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा चार तीन बारह दो न चौबीस वापस हमारा कितना आ गया चौबीस आ गया अब जब आपके पास चौबीस आया तो आप चौबीस को देखो क्या ये पांच से वापस विभाजित हो जाएगा तो आप बोलेंगे हाँ सर हो तो जाएगा यानी 24 को वापस से पांच का भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना आना है चार आना है यानी तब इसका आंसर कितना होगा चार होगा और ये हमारा आंसर कितना होगा करेक्ट होगा उसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो हमने कहा सर देखो इसको जब हम दो के साथ भाग करते हैं तो इसको जब हम दो के साथ भाग करते हैं तो हमेशा याद रखो दो जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको काट देता है और दो किसी भी और नंबर को जो रिमाइंडर देता है वो वन ही देता है जैसे आप मान लीजिए कि चार को आप दो से जब भाग करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा कोई रिमाइंडर नहीं देगा जैसे आप पांच को भाग करेंगे रिमाइंडर वन आएगा फिर आप छे को भाग करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा वापस से सात को भाग करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा यानी दो जितने भी इवेंट

जीरो आना है अब बात करते हैं तीन को लेकर <coughs> तो तीन को देखेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर तीन से डिवाइड करके देख लीजिए क्या दिक्कत है जब आप इसको तीन से डिवाइड करेंगे तो तीन का चार गुना बारह तेईस हो जाएगा तीन का सात गुना इक्कीस यानी यहाँ कितना आना है तो प्लस टू आना है ठीक है उसी तरीके से तीन का छह गुना अठारह दस हो जाएगा तीन तीन के नौ प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे तीन का पांच गुना पंद्रह सत्रह आ गया तीन का पांच गुना पंद्रह यानी कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा दो इंटू एक इंटू दो यानी कितना हो जाएगा चार वापस से जब चार को हम तीन से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा वन मिलेगा यानी तीसरे वाले का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा वन आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया बात ये तो अब तक मैंने जितने सवाल आप लोगों को करवाए ये पॉजिटिव रिमाइंडर पर करवाया अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव रिमाइंडर पे भी करवाता हूं ताकि आप इस कंसेप्ट को समझे कि असल में हम आपसे कहना क्या चाहते हैं जैसे मानिए कि 27 है ठीक है 27 के बाद आप ऐसे मान लो कि 48 हो गया ठीक है 48 के बाद आप मान लो कि उनतीस हो गया ठीक है और उसके बाद मान लो कि यहाँ पर 50 हो गया और मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको किसके साथ भाग करूं मैं सात के साथ भाग करूँ दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ऐसा हो गया ठीक है <coughs> <coughs> दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि दो को जब मुझे ठीक है वन ठीक है इन टू Two, three, four, five, six, one, seven, eight, nine, और इसको मुझे जो भाग करना है वो पांच के साथ भाग करना है और हमसे इन दो सवालों में पूछा गया है कि बताओ तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा कितना होगा तो हमने कहा ठीक है सर हम पता करते हैं रिमाइंडर कितना होगा क्या होगा ठीक है अब यहां पर देखोगे ना बच्चे तो देखो जब आप सत्ताईस को सात के साथ भाग करते हैं, तो आपके पास दो कहानियां कह तो वन आएगा यानी इसके पास एक कम है यानी मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि देखो आप लोगों ने सुना होगा पॉजिटिव रिमाइंडर तो पहले सुना होगा आज पहली बार सुन रहे हो यानी आप ऐसे समझिए कि सात के पहाड़े से छह ज्यादा है या फिर सात के पहाड़े से एक कम है जैसे सात का पहाड़ अठाईस भी तो होता है तो अट्ठाइस से यह बंदा कितना कम है एक कम है इसलिए इसके पास माइनस वन की भी कमी है ठीक है जैसे या तो 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 मुझे आप एक दे दो तो मैं बन जाऊंगा तो से कट जाऊंगा या मेरे से आप छह ज्यादा है या सात के पहाड़े से एक कम है जितना ज्यादा है उसको रिमाइंडर कहते हैं जितना कम है वो भी रिमाइंडर हो जाएगा ज्यादा है तो प्लस रिमाइंडर कम है तो माइनस रिमाइंडर समझ में आ गया हमें हमेशा संख्या के करीब में रहना होता है बहुत दूर नहीं जाना होता जैसे अगर इस संख्या को मैं भाग कर देता ठीक है तो मेरे लिए मुश्किलें क्या हो जाती हैं बढ़ जाती हैं अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेके चलूं तो हो जाएगा छादा ना खासा अगर मानो यहां पर इसके पावर को अगर दस कर दिया गया है जैसे मानो यहां पर अगर जो सत्ताईस के पावर को दस कर दिया जाए सवाल में <coughs> मानो कल के दिन यहां पर क्या किया जाता है सत्ताईस के पावर को जो है यहां पर दस कर दिया जाता है समझ में आ रहा है बात और यहां पर गुना किया जाता है किसके साथ तो गुना किया जाता है आपको अड़तालीस के पावर बीस uh, के साथ मानो यहाँ पर सत्ताईस का पावर दस इंटू अड़तालीस का पावर बीस अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा सत्ताईस को सात से भाग करता है और वो प्लस सिक्स लेता है तो प्लस सिक्स का पावर टेन लेने में है ना उसकी नानी याद आ जानी है समझ में आ रहा बात यहाँ पे प्लस 6 का पावर जो है वन लेने में सिक्स का पावर टेन लेने में नानी याद आ जानी है इसीलिए हम हमेशा है ना संख्या के करीब में रहते हैं समझ में आ गया बात जैसे अगर मुझे चार को जब पाँच से भाग करना होगा ना तो मैं इसको माइनस वन मानूंगा छह को पांच से भाग करना होगा ना तो मैं इसको प्लस वन मानूंगा हमेशा कोशिश करते हैं कि उस संख्या के करीब में रहे ज्यादा दूर हम ना जाए तो उसी तरीके से जब आप सताइस को सात से भाग करोगे तो बोलोगे सर यहां पर माइनस वन माइनस वन का पावर माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा टेन सेम तरीके से ये उन्चास सात का पावर उन्चास होता है पहाड़े में उनचास आता है उनचास आता है यानी उनचास में कितनी कमी एक की कमी और माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों तो बोलेंगे सर बीस हो जाएगा गुना करेंगे उनतीस को जब आप सात से गुना करो तो सात अट्ठाइस था एक आएगा और पचास को जब आप सात के साथ गुना करोगे तो एक आएगा माइनस वन का पावर चाहे कितना भी हो अगर इवन है तो प्लस आना है और ऑड है तो माइनस आना है यानी यहां पर वन आएगा वन आएगा, वन आएगा वन आएगा वन आएगा वन आएगा वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन यानी पूरे संख्या को सात से भाग करने पर आंसर कितना आना है तो वन आना है सेम तरीके से यहां पर देखिए कोई भी संख्या होती है जो पांच के पहाड़े में होती है उसके के स्थान पर या तो पांच होता है और नहीं तो जीरो आपको अच्छे से पता है दुनिया की कोई भी संख्या जो पांच से विभाजित होती है उसके के स्थान पर या तो पांच होगा नहीं तो जीरो पर पांच नहीं है यानी पांच से कितने की कमी है तो वन की कमी है यानी पूरी संख्या को जब हम पांच से भाग करेंगे तो माइनस वन आएगा यहां पर जीरो है नहीं है जीरो में कितने की कमी है तो बोलोगे सर एक की कमी है अगर नौ में हम एक दे देते तो जीरो बन जाता यानी एक की कमी है उसी तरीके से ये पांच से कितना ज्यादा है तो बोलेंगे सर एक ज्यादा है ये जीरो से कितना ज्यादा है तो वन ज्यादा है माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाना है वन वन इंटू वन वन कितना आ जाएगा तो सेकेंड वाले का भी आंसर आ जाएगा वन समझ में आ गया बात ठीक है क्लियर हो गया आपको ये बात तो जो रिमाइंडर के कंसेप्ट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं हमें इन सभी टाइप्स को समझना पड़ता है सभी टाइप्स को पढ़ना पड़ता है अब आ जाते हैं कुछ सवाल पावर के ऊपर क्योंकि जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए थे वो मल्टीप्लीकेशन के करवाए थे अब रिमाइंडर ऑन पावर हम कह सकते हैं कि पावर ठीक है रिमाइंडर्स ठीक है रिमाइंडर्स ऑन पावर अब पावर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पावर में क्या क्या कहानी होगी जैसे मानो यहाँ पर दो के पावर को आप जब तीन के साथ दो को जब आप तीन के साथ डिवाइड करते हो ठीक है ओके जब आप मान लो कि छ को जो है आप सात के साथ भाग करते हो दूसरा आप जब छ के स्क्वायर को सात के साथ भाग करते हो तीसरा जब आप छ के क्यूब को सात के साथ भाग करते हो चौथा छ के पावर सात को चार के साथ भाग करते हो सब में बताओ आंसर कितना आएगा आप लोग बनाइए इस सवाल को बनाइए बताइए आंसर बताइए कितना आएगा आंसर आंसर बताइए आप लोग ऐसे ही सवाल आते हैं देखो कुछ सवाल है ना पावर वावर के ऊपर पूछे जाते हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन के ऊपर पूछे जाते हैं तो जितने भी ये सवाल होते हैं ना ये स्पेशल पार्ट टू होते हैं पार्ट इसको हम कहते हैं और पार्ट टू में इन सभी को पढ़ना होता है क्योंकि एक तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं और एक ये हो जाता है बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तो बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका ये है और बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है समझ रहे हो इनमें कोई लैंग्वेज ही नहीं होगा आपको सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप क्या करोगे विदाउट लैंग्वेज बताओ हमने कहा सर देखिए छे को जब हमने सात के साथ भाग किया ना तो रिमाइंडर हमारा माइनस वन आ गया छः के स्क्वायर को जब सात के साथ भाग किया यानी माइनस वन के स्क्वायर को हमने भाग किया माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन होता है छः के क्यूब को जब हमने सात के साथ भाग किया तो हम कह सकते हैं माइनस वन के क्यूब को हमने किया हुआ है यानी माइनस वन का पावर जब ऑड होता है ठीक है तो आंसर माइनस वन ही आता है और माइनस वन का पावर जब इवन होता है तो प्लस वन आता है उसी तरीके से जब छे के पावर यहां पर करेंगे तो माइनस वन का पावर फोर होगा यानी आंसर कितना आना है तो वन आना है ठीक है तो अब कई सारे सवालों को हम देखेंगे जो हमारे शीट में ऑलरेडी दिए गए हैं और उन सभी सवालों को करेंगे रोहित जो है आपके कमेंट का आंसर मैं लास्ट में दूंगा अभी बच्चे अभी पढ़ा रहा हूं तो ठीक है अभी कुछ और बात करना सही नहीं रहेगा अब आ जाइए चूंकि हमारा सवाल है सबसे पहले यहां पर तीन को पांच के साथ भाग करने की बात कही गई है और चार को छ के साथ भाग करने की बात कही गई है अब आप लोगों को थोड़ा बहुत और कंसेप्ट सीखना है सबसे पहले अगर जैसे मानो कि मैं बात करूं कि आप तीन को जब पांच के साथ भाग करते हो फिर आप तीन के स्क्वायर को जब आप पांच के साथ भाग करते हो फिर जब आप तीन के क्यूब के साथ आप पांच को भाग करते हो या आप तीन के पावर को जो है नौ या फिर ऐसे कह लो एक को जब आप पांच के साथ भाग करते हो या अगर मैं बोलूं आपको कि तीन के पावर जो है दुनिया में कुछ भी है जैसे मानो वन जीरो करके है ठीक है 1089 करके इसको भाग करोगे तो क्या आएगा? पहले हम तीन को समझ रहे हैं फिर हम 6 को समझेंगे अलग अलग संख्याओं को तीन आना है या माइनस का दो आना है कभी भी जो आपके ऑप्शन में दिया जाता है ना वो प्लस का ही रिमाइंडर दिया जाता है माइनस का कोई रिमाइंडर मेरे भाई नहीं दिया जाता कभी भी आंसर में माइनस तीन नहीं होता है ठीक है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे तो हमने कहा ठीक है सर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना है तीन आना है वापस से जब हम तीन को पांच के साथ भाग करेंगे तो हम बोलेंगे सर तीन का स्क्वायर है ठीक है कितना है तीन का स्क्वायर है तीन का स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है तीन के स्क्वायर का मतलब हो गया नौ और नौ को जब हम पांच के साथ भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा चार आ जाएगा समझ में आ रहा है बात कितना आ जाना है रिमाइंडर हमारा चार आ जाना है कोई दिक्कत है यहाँ पे बता दो बोलोगे नहीं सर तीन का क्यूब अब बोलोगे सर तीन का क्यूब तीन का क्यूब कितना होता है सत्ताईस सत्ताईस को आप पांच के साथ भाग करोगे तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा है। लेकिन जब पावर छोटे छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं तीन का क्यूब सीधा सताइस लिख देते हैं लेकिन अगर पावर हमारे पास बड़े हो, जैसे तीन का पावर एक सौ इक्कीस को हम देखेंगे जैसे हमने इसके बेस को क्या देखा हमने इसके बेस को देखा कि भैया जब तीन का स्क्वायर था यानी जब तीन का पावर दो था तो हमारा जो रिमाइंडर है या तो प्लस का फोर आ रहा था नहीं तो माइनस का क्या आ रहा था वन आ रहा था हमें हमेशा प्लस माइनस वन के करीब में लेके जाना होता है संख्याओं को। अगर हम प्लस माइनस वन पे लेके नहीं जाएंगे तो सवाल मुश्किल हो जाएगी कभी भी आप इस बात को ध्यान रखना कि पावर अगर बहुत बड़ा है ठीक है पावर अगर बहुत बड़ा है बहुत बड़ा बड़ा पावर है तो तो वो एक ही बनेगा या तो आएगा नहीं लेके तो ले जाना, ले जाना, ले जाना है तीन के पावर को पांच के करीब में लेके जाना है मतलब तीन का कौन सा ऐसा पावर होगा जो पांच के साथ डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर प्लस वन देगा या माइनस वन देगा दोबारा से मेरे शब्दों को सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं तीन का ऐसा कौन सा पावर होगा जो पांच से डिवाइड करने पर या परिमाइंडर तो माइनस वन देगा तो आप बोलोगे सर तीन का स्क्वायर होता है है ठीक यानी हमने कहा कि इस संख्या में से हमें स्क्वायर छांट लेना है यानी अगर यहाँ तीन का पावर एक सौ बीस होता मानो तो हम इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं कि तीन का पावर दो है और दो का कितना गुना है मेरे भाई दो का साठ गुना है उसको हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो पांच के साथ

समझ रहे हो मेरी बात को यानी हम ऐसे तोड़ेंगे इसको कि तीन का स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए तीन के स्क्वायर से हम साठ बार में जा सकते हैं साठ गुना एक सौ बीस हो गया कितना बच जाएगा हमारा तो बस तीन बच जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे के के साथ साथ जब का स्क्वायर है उसको हम 5 के साथ भाग कर रहे हैं बच्चे तो पांच के साथ भाग करने पे यहाँ पर क्या आएगा माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा तो -1 का सिक्सटी इंटू तीन को जब हम पांच के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर तीन लिख सकते हैं या माइनस टू लिख सकते हैं माइनस मत लिखो माइनस वन का पावर सिक्सटी वन हो जाएगा इसका तीन हो जाएगा तो आंसर कितना आना है तीन आना है यानी दुनिया में ठीक है दुनिया में मेरे भाई यहां पर रंजन भैया क्या कह रहे हैं बता दीजिए सर बता दीजिए सर प्लीज बता दीजिए सर क्या बता दे भैया सर हमारा जवाब दीजिए कुछ मोटिवेशन के लिए यार पढ़ लो ना पहले यार जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो ना मोटिवेशन क्या मतलब अभी यार पढ़ लो पहले रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं अच्छा टॉपिक है किसी के मौक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे दुखी हो रहा है कोई कुछ है यार पढ़ लो पहले जो टॉपिक बढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो ना जगह देखकर कोई भी कुछ बात की जाती है यार समझा करो बातों को लेके आप लोग क्लास के एंड में ये सब बोलोगे तो अच्छा भी लगेगा ठीक है तो आ जाओ तो सेम तरीके से हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या और उसका पावर कुछ भी है तो हमेशा हम उसके रिमाइंडर को या तो उसके प्लस वन के करीब में जाने की कोशिश करते हैं या माइनस वन के करीब में जाने की कोशिश करते हैं समझ में आ गया बात यहाँ पे अब जैसे एक और केस देखो आप यहाँ पे अगर मैं कल के दिन आपको बोलू यहाँ पे अगर मैं कल के दिन आपको बोलूं कि दो को जो है मुझे पांच के साथ डिवाइड करना है और दो के पावर कितने को करना है दो के पावर एक हजार चौबीस को करना है फिर वापस से अगर मैं आपसे बोलूं कि दो के पावर एक हजार पच्चीस को भी करना है पांच के साथ डिवाइड फिर मैं आपसे बोलूं कि दो के पावर एक हजार छब्बीस को भी जो है वो पांच के साथ आपको विभाजित करना है तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा आप मुझे ये बताओ आप बोलोगे सर आपने हमेशा हमें एक ही बात सिखाया है कि कोई भी संख्या चाहे क्यों ना हो कोई भी संख्या चाहे क्यों ना हो हमें हमेशा जो है उसके अगर कोई भी संख्या के पावर ऊपर चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमें हमेशा रिमाइंडर या तो प्लस वन चाहिए नहीं तो हमें माइनस वन चाहिए प्लस वन या माइनस वन जो है यहाँ पर उसके करीब में हमें जाना होता है प्लस वन या फिर माइनस वन हमने कहा यार दो का कौन सा ऐसा पावर है जो पांच के साथ डिवाइड करेगा तो प्लस वन दे सकता है या माइनस वन दे सकता है तो दो का पावर जो होता है वो एक वो कितने के बराबर दो के बराबर दो का पावर दो चार चार को जब हम पांच के साइड डिवाइड करेंगे तो या तो प्लस फोर देगा या फिर माइनस वन देगा बस बात खत्म हमें इतना ही चाहिए था ना हम इसके आगे बढ़ेंगे ना हम इसके पीछे जाएंगे हमें एक ऐसी संख्या मिल गई हमें दो का एक ऐसा पावर मिल गया जिसको जब हम पांच के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो प्लस वन आएगा नहीं तो रिमाइंडर माइनस वन आएगा ठीक है तो हमने कहा यार दो का स्क्वायर जो है ना वो पांच के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर माइनस वन देता है तो हम इसको दो के स्क्वायर में तोड़ेंगे यानी जब आप एक में से दो बाहर निकाल दोगे तो अंदर कितना बचेगा दो बचे दस दो एकम दो पांच सौ बारह बचेगा बोलो ठीक तो आना चाहिए, आना चाहिए है यानी जब हम चार को पांच के, तो के साथ भाग कर रहे हैं तो माइनस वन आ रहा है तो असल में तो दो का स्क्वायर इतनी बार किया गया है यानी चार का पावर तो इतना है यानी माइनस वन का पावर इतना माइनस वन का पावर अगर इवन है तो आंसर कितना आएगा दोस्तों प्लस में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे दो का पावर एक हजार पच्चीस दो के पावर एक हजार पच्चीस को जब हम जो है दो के स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो दो का स्क्वायर हो गया जब हम इसको दो से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर दो का स्क्वायर दो से भाग करेंगे तो दो पचे दस दो एक दो नीचे चार ठीक है पांच सौ बारह बार में तो कट जाएगा कितना बचेगा दो का एक पावर और बचेगा समझ में आ रहा है एक हजार पच्चीस को हम जब दो से भाग करेंगे तो पांच सौ बारह बार में एक हजार चौबीस आएगा कितना बच जाएगा तो एक बच जाएगा यानी दो का पावर एक जो बच जाएगा उसको साइड में लिख दो आप इसको पांच से भाग करो दो का स्क्वायर बच्चे कितना होता है तो बोलोगे सर चार होता है चार का पावर पाँच सौ बारह इन टू दो का पावर कितना हो जाएगा? वन बाई पांच। जब आप चार को पांच के साथ भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है माइनस वन और माइनस वन का पावर पांच सौ बारह इसका मतलब हो जाना है आपको प्लस वन दो को जब आप पांच के साथ भाग करोगे तो आ जाएगा टू यानी टू इंटू वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई मेरे चलिए नेक्स्ट देखिए पावर छब्बीस तो तो के, के, के साथ भाग करना है दो का स्क्वायर बच्चे कितना होता है चार होता है और जब हम चार को पांच के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर माइनस वन आता है माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा पांच सौ तेरह इसको जब हम पांच के साथ भाग करेंगे तो माइनस का पावर जब ऑड होता है तो आंसर कितना आता है माइनस वन लेकिन जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आए ना बच्चे तो हमने क्या कहा कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऑप्शन में आपको रिमाइंडर माइनस में दिया गया हो नहीं होता ऐसा ये तो हमारा एक ट्रिक होता है फाइंड करने का तो ऐसे केसेस में अगर हमें आंसर देना है तो हम आंसर क्या करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है यानी किसी संख्या में एक की कमी है तो हम क्या करेंगे जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको इसमें जोड़ देंगे यानी फाइव माइनस वन बराबर फोर जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा माइनस वन का मतलब क्या है प्लस फोर कि या तो इसके पास एक कम है नहीं तो इसके पास चार ज्यादा है तो जो भी आता है उसके साथ हम डिवाइजर को जोड़ देते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है ठीक है अब जैसे कुछ और सवाल बेहतरीन मैं आपको देना चाहता हूं आप समझेंगे सीखेंगे जानेंगे सात को जो है अगर हम मान लीजिए कि सात के पावर को सात के पावर एक को हम भाग करना चाहते हैं किसके साथ भाग करना चाहते हैं दस के साथ तो हम आपसे पूछेंगे कि पांच रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा इसके अलावा यहाँ पर अगर बात किया जाए ठीक है कि चार का जो है पावर मानो तेईस है उसको आप पांच के साथ पांच नहीं ठीक है चार को नहीं अभी रुक जाओ आप कुछ और संख्या हम आप लोगों के लिए सेट कर रहे हैं ठीक है कुछ और संख्या हम सेट कर रहे हैं परेशान मत हो जैसे मानो नौ हो गया ठीक है कितना हो गया नौ हो गया और नौ का पावर अट्ठाईस हो गया ठीक है नौ का पावर कितना हो गया अट्ठाईस हो गया इसको जो है, अगर मुझे दस के साथ भाग करना होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम और बात करें यहाँ पर आ, नौ को यार मत करो ना नौ को भाग मत करो इसी को करते हैं चलो इसको एक और एग्जांपल है ना एक और एग्जांपल इसी को समझते हैं ठीक है अब इस एग्जाम्पल में आप समझेंगे तो बोलेंगे सर देखो सात को जब हम जो है ना दस के साथ भाग करेंगे तो या तो रिमाइंडर हमारा प्लस का सेवन आएगा नहीं तो माइनस का थ्री आएगा या तो प्लस का सेवन आएगा नहीं तो माइनस का तीन आएगा हम हमेशा एक बात को जानते हैं कि पावर हमारा जब भी ज्यादा हो तो ऐसे हालातों में हम जो है सात के एक ऐसे पावर को ढूंढते हैं जो दस के पहाड़े से या तो एक कम हो नहीं तो एक ज्यादा हो मेरे शब्द को हमेशा सुनिएगा यहाँ पर हम यहाँ नोट बना के लिख लीजिए बाकायदा ठीक है नोट बनाकर लिख लीजिए यहां पर समझिएगा अच्छे से कि हमें हमें सात का ऐसा पावर ऐसा पावर लेना है जो दस के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो समझ में आ गया बात यहाँ पे तो हमने कहा यार सात का जो स्क्वायर होता है ना वो उनचास होता है और उनचास सो है वो दस के पहाड़े से एक कम है जैसे दस का पहाड़ा 50 होता है उससे एक कम है तो हमने कहा ये सात के स्क्वायर में टूटेगा यानी सात का पावर दो जो है उसमें लेना पड़ेगा और दो को जब भाग करेंगे तो इकसठ आएगा इसको जब आप दस से भाग करो सात का स्क्वायर कितना होता है उनचास होता है होता है और उन्चास का पावर कितना हो जाएगा सिक्सटी वन डिवाइडेड बाई टेन जब आप उनचास को दस के साथ भाग करोगे तो बोलोगे दस बचे पचास यानी यहां पर दस के पहाड़े से एक की कमी है एक की कमी यानी माइनस कितना माइनस वन तो जब आप आंसर देने जाओगे तो क्या बोलोगे जब पावर माइनस में आता है टेन माइनस वन यानी आंसर आपका कितना आ जाना है नाइन आ जाना है नाइन इज द करेक्ट आंसर ठीक है टेन माइनस वन नाइन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है जाओ नेक्स्ट टाइप देखो कुछ ऐसे भी पावर्स जो आपको थोड़े से समझ में नहीं आएंगे लास्ट में आपको जो है थोड़ा <laughs> भाग करते, करते हैं फिर उसके बाद हम चार के क्यूब को 6 के साथ भाग करना चाहते हैं फिर उसके बाद हम चार के पावर सात को 6 के साथ भाग करें फिर उसके बाद हमने कहा चार के पावर जो है ठीक है चार के पावर सत्रह को हम सात के साथ या छ के साथ भाग करना चाहते हैं फिर उसके बाद चार के पावर को जैसे मानो उन्नीस को हम छे के साथ भाग करें रिमाइंडर क्या होगा कुछ ऐसे पावर जहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा ठीक है तो चलिए यहां पर अब आप जब बोलेंगे बोलेंगे ना सर देखो बात ऐसी है कि जब आप चार को छ के साथ भाग करोगे तो रिमाइंडर आपको या तो प्लस का फोर आना है और नहीं तो सर कितना आना है माइनस का टू आना है या तो प्लस का फोर आना है नहीं तो कितना आना है माइनस को टू आना है आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता इसलिए आंसर हम कितना देंगे फोर में देंगे अब उसी तरीके से जैसे मानो कि जब भी ये पावर बढ़ते चले जाएंगे जब भी ये पावर बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हम चार के मल्टीपल को ढूंढते रह जाएंगे जो छह से होगा क्योंकि आप बोलोगे सर आपने तो हमें ये सिखाया था आपने तो हमें ये सिखाया था कि सर हम जो है जहां पर जैसे मानो चार के ऐसे पावर को ढूंढेंगे जो छ के पहाड़े से या तो एक कम होगा नहीं तो एक ज्यादा होगा जैसे चार का पावर एक रखेंगे चार ठीक है वो रिमाइंडर कितने का देगा प्लस का फोर या माइनस का टू जब चार का पावर एक रखोगे तो देगा चार यानी प्लस फोर या माइनस टू चार का पावर दो दोगे यानी सोलह सोलह को जब आप छह के साथ भाग करोगे तो बोलोगे सर या तो ये प्लस का फोर दे रहा है नहीं तो माइनस का टू दे रहा है चार का क्यूब रखोगे चौसठ चौसठ को छे के साथ भाग करोगे तो या तो प्लस का फोर माइनस का टू मतलब ये ऐसा आएगा ही नहीं कोई भी ऐसा पावर कोई भी ऐसा पावर आएगा ही नहीं जो यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर दे या माइनस प्लस वन का रिमाइंडर दे या माइनस वन का रिमाइंडर दे यानी जब आपके ऐसे हालात हो जाएं और ऐसे हालात तब हो जाएं जब आप आपको रिमाइंडर प्लस वन या माइनस के अलावा कुछ और मिले ही ना पाए ठीक है मतलब प्लस वन या माइनस वन मिल ही ना पाए इसके अलावा कुछ और मिल जाए तो क्या करेंगे तो ऐसे हालातों में हम देखते हैं कि क्या वो संख्या यहां पर कट जा रही है? तो बोलेंगे हाँ सर। अगर वो संख्या कट जा रही है, तो उसको काटिए। जैसे आप बोलेंगे सर देखो चार को जो है ना छे के साथ भाग करना है तो अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट जा रही है तो हमने काटा हमने काटा तो कहा हमने दो को हम किसके साथ भाग कर दिए तीन के साथ देख रहे हो आप यहां पे कितना आ गया तो हमने कहा इसको हमने दो से काटा कितने से काटा बच्चे दो से काटा दो से काटने के बाद ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया तो दो बटे तीन में अब जब हम दो को तीन के साथ भाग करेंगे तो दो रिमाइंडर आ सकते हैं कौन कौन से या तो हमारा प्लस का टू आ सकता है और नहीं तो माइनस का वन आ सकता है समझ रहे हैं बात को ले कर, को लेकर दो जब हम तीन के साथ भाग करेंगे तो या तो प्लस का टू आएगा नहीं तो माइनस का वन आएगा लेकिन हमने तो यहां पर कहा कि हमारा आंसर प्लस फोर या माइनस आ रहा है तो ये वापस कैसे आएगा हमारा यहां आंसर देखेंगे तो प्लस का फोर और माइनस का टू है और यहां आंसर देखेंगे तो प्लस का टू और माइनस का वन है तो कैसे तो असल में होता क्या है बच्चे असल में होता यह है कि जिस संख्या के साथ आप इनको काटते हैं जैसे आपने यहाँ पर क्या किया तो सबसे पहले आपने दो से इनको भाग लगा दिया ऊपर भी नीचे भी तो ये दो बटे तीन में हो गया फिर दो को जब हम तीन के साथ भाग करते हैं तो या तो रिमाइंडर प्लस टू या माइनस वन तो जब आप इस संख्या को भाग लगा के शुरू में सिंप्लीफाई करके लेके जाते हैं तो लास्ट में वापस से आपको उस संख्या में गुना उतने का लगाना पड़ता है जितने से आपने भाग किया है यानी आपने यहाँ दो से भाग किया है तो लास्ट में आपको इसमें भी दो का गुना लगाना पड़ेगा इसमें भी दो का गुना यानी आपका रिमाइंडर या तो प्लस का फोर आएगा और नहीं तो माइनस का टू आएगा और यही हमारा आंसर यहां पर भी आ आ रहा था प्लस का या का या माइनस ठीक है समझ में गया बात हाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए तो सेम चीज हमने यहां पर सीखा कि यार देखो फोर बटे सिक्स को हम क्या कहेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो दो बटे तीन कह सकते हैं और दो को जब हम तीन के साथ भाग करेंगे तो या तो रिमाइंडर हमारा प्लस टू आएगा नहीं तो रिमाइंडर हमारा माइनस आएगा ठीक है जितने से हमने भाग किया वापस में हम क्या करते हैं उतने से गुना लगा देते हैं ये बहुत काम की चीज है थोड़ा बार में आपको समझ में आ जाएगा सेम तरीके से चार के स्क्वायर को आप छे के साथ भाग करना चाहते हो मैंने कहा यार पहले चार को छ के साथ काटो तो बोलोगे सर दो बटे तीन ठीक है जब आप दो को जो है तीन के साथ भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता माइनस वन आता है आप दो को तीन के साथ भाग करते हो रिमाइंडर कितना आता है स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा लेकिन क्या आपका आंसर वन होगा बोलेंगे नहीं सर हमें अभी क्या करना है दो से हमने शुरू में भाग लगाया था अब हम वापस से इसमें दो का गुना लगा देंगे यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा सेम तरीके से यहाँ पर क्या करिए तो आप इसमें दो से भाग लगाइए तो दो बटे तीन आ जाएगा दो का पावर तीन जब हम दो को तीन के साथ भाग करते हैं तो माइनस वन होता है और माइनस वन का पावर हमें तीन रखना है माइनस वन का पावर तीन रखने का मतलब क्या हो गया बच्चे माइनस वन ठीक है माइनस वन का पावर तीन रखने का मतलब क्या हो गया माइनस वन हो गया ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे <tsicamente> माइनस वन हो गया जब आप तीन में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा लेकिन क्या आपका आंसर दो रहेगा तो बोलेंगे नहीं सर दो कभी नहीं रहेगा क्या करेंगे किससे आपने भाग किया था दो से भाग किया था तो वापस दो का गुना लगाइए दो का दो से गुना लगाया तो चार आ गया जो चार आया है वो तो तीन से बड़ा है यानी वापस इसमें फिर से किससे भाग लगा दो तीन से भाग लगा दो तो आंसर आपका कितना आना है वन आना है आप ऐसे भी देख लो चार का जो क्यूब होता है वो कितना होता है चौसठ होता है और चौंसठ को जब आप छह के साथ भाग करोगे चौसठ को जो है यहां पर एक मिनट रुक जाना 64 को जो है जब आप किसके साथ भाग करोगे 64 को जब आप छह के साथ भाग करोगे एक मिनट एक मिनट यहां कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने माइनस वन का क्यूब माइनस वन आ जाएगा ठीक है एक मिनट एक मिनट हाँ सही है माइनस वन का कितना आ जाएगा हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सुनो 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 तीन से भाग नहीं करना पड़ेगा यहां पर हमारा माइनस वन का क्यूब माइनस वन आ गया माइनस वन आ गया तो तीन में से हम एक घटा देंगे तो दो आ जाएगा लेकिन शुरू में हमने दो से भाग किया था अब हम दो से गुना कर देंगे और दो से गुना करने के बाद कितना आएगा चार आएगा अब बोलोगे सर चार को हम तीन के साथ क्यों नहीं भाग कर सकते हैं चार को हम तीन से इसलिए नहीं भाग कर सकते हैं क्योंकि जो हम संख्या भाग करना चाहते थे वो छह था अगर वो संख्या छह से बड़ी होती तो वापस छह से भाग करते हैं छे से बड़ी नहीं है इसलिए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप मेरी बात को सबसे पहले हमने क्या किया तो दो से ऊपर नीचे भाग लगाया दो से ऊपर नीचे जैसे भाग लगाया तो ये दो बटे तीन में आ गया ठीक है दो को जब हम तीन के साथ भाग करते हैं तो माइनस वन आता है माइनस वन का पावर तीन यानी कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा

दो का पावर सात यानी यहां पर हमें कहा गया है माइनस वन का पावर कितना लेना है वन का पावर सात कितना आएगा तो माइनस में ही आएगा जब रिमाइंडर माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे तीन में से को घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा शुरू में हमने दो से भाग किया था लास्ट में क्या करेंगे दो से गुना तो आंसर कितना आएगा बच्चे चार आ जाएगा ठीक है इसका फायदा कहां पर मिलता है इस कंसेप्ट का तो इसका फायदा अभी आप देखेंगे आपको यहां पर मिलेगा ठीक है आप देखिए सवाल में आपको कंसेप्ट का फायदा कुछ सवालों में जैसे मानिए 21 हो गया ठीक है 21 का पावर मानो 107 हो गया इनटू इनटू 42 बयालीस हो गया बयालीस का पावर 108 हो गया और यहां पर आपका जो है बयालीस के बाद हम ऐसा कह सकते हैं निन्यानवे हो गया और निन्यानवे का पावर सतहत्तर हो गया ठीक है निन्यानवे का पावर कितना हो गया सतहत्तर हो गया अब मान लो यहाँ पर बच्चे की मेरे से पूछा गया है कि 21 के पावर 7 को 42 के पावर 108 को और निन्यानवे के पावर 7 को हमें 6 से भाग करके बताना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा यानी हम बोलेंगे कि सर इस सवाल को अगर आपको पता करना है तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन मेन्स लेवल का क्वेश्चन बन सकता है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे तो हम बोलेंगे सर इक्कीस के पावर इक्कीस के पावर एक को आप छे के साथ भाग करो फिर उसके बाद 42 के पावर जो है एक 108 को आप किसके साथ भाग करो 6 के साथ भाग करो और फिर उसके बाद 99 के पावर 77 को जो है आप किसके साथ भाग करो 6 के साथ भाग करो हमने कहा ये संख्या को आप काट के देखिए क्या ये संख्या आपसे कट रही है तो आपने कहा हाँ सर तीन से कट रही है सात बार में तीन से कट रही है दो बार में इसको काट के देखिए तो बोलेंगे सर तीन से कट रहा है चौदह बार में ठीक है तीन से कट रहा है चौदह बार में और तीन से जो है तीन से कट रहा है दो बार में ये तो पूरा का पूरा नहीं बयालीस मत रखो यार बयालीस मत रखो ठीक है एक मिनट एक मिनट यहाँ बदल दो संख्या को बदल दो यहाँ है ना संख्या को बदल दो संख्या को बदल दो आप आप ऐसा कर दो सताइस कर दो आप इसको सताइस का पावर एक सौ आठ कर दो आप अब सही है ठीक है सत्ताईस का पावर एक सौ आठ कर दो सत्ताईस का पावर एक सौ आठ करोगे ना तो ज्यादा सही है तो हमने कहा यहाँ पर कि हम इसको कैसे लिखेंगे तो 27 का पावर एक सौ आठ है उसको हम भाग करेंगे छे के साथ मतलब हमने क्या कर दिया इस संख्या को छे से भाग करेंगे तो क्या आएगा इसको छे से भाग करेंगे तो क्या आएगा इसको छह से भाग करेंगे तो क्या आएगा हर संख्या का हमने बराबर तरीके से लिख दिया उसके बाद हमने कहा कि देखो अगर हम इसको तीन से भाग करते हैं तो सात बार में कटता है दो बार में कटता है अगर हम तीन से भाग करेंगे यहां पर तो नौ बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा दो बार में अगर हम तीन से भाग करेंगे तो ये तैतीस बार में कटेगा और ये हमारा दो बार में मैं थोड़ा आप लोगों से डिटेल में जाना चाहता हूं ठीक है आप मुझे यहाँ पर बताइए कि अब आपको जो है भाग किसमें लगाना है तो अब आपको बोलेंगे सर सात का पावर कितना है तो 107 है मुझे जो है उसको दो के साथ भाग करना है यहाँ पर नौ का पावर कितना है 108 है मुझे उसको जो है किसके साथ भाग करना है दो के साथ अब यहाँ पर जो है मेरा तैतीस का पावर कितना है सतहत्तर है मुझे उसको किसके साथ भाग करना है दो के साथ याद रखिएगा एक और बात कि आपने यहाँ दो से जो है यहाँ पर तीन से भाग किया है इसमें भी आपने तीन से भाग किया है इसमें भी आपने तीन से भाग किया है तो लास्ट में आपको इसमें भी तीन का गुना लगाना पड़ेगा इसमें भी तीन का गुना लगाना पड़ेगा और इसमें भी तीन का गुना लगाना पड़ेगा ठीक है समझ गए बात को आप आपने कहा कि सर जब भी कोई और संख्या को हम दो के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है वन आता है जब भी कोई और संख्या को हम दो के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा वन आता है चाहे वन का पावर आप दुनिया में कितना भी रख लो जब भी किसी और संख्या को दो के साथ भाग करते हैं रिमाइंडर वन आता है तो बोलेंगे सर हमारा वन इंटू वन इंटू वन आएगा लेकिन क्या वाकई में आपका आंसर वन इंटू वन इंटू वन आएगा तो बोलेंगे नहीं सर ऐसे हालात में देखो हमने शुरू में इसमें किस में भाग लगाया था तीन का अब इसमें तीन का लगाएंगे तो एक इंटू तीन तीन हो जाएगा एक इंटू तीन तीन हो जाएगा तो बोलेंगे वो छह से ही होगा तो सत्ताईस को जब आप छे के साथ भाग करोगे तो छह चौके चौबीस हो जाएगा और आंसर कितना आएगा तीन आएगा तीन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा हेलो समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है तो हमने कहा यहां पर इसका तीन आएगा इसका तीन आएगा इसका तीन आएगा तीन का क्यूब सताइस हो गया सताइस को जब हम छे के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर हमारा तीन आ जाएगा और तीन जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए आ जाइए तो अब वापस हम अपने इस सवाल पर आते हैं जो हमारा मेंस का क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को रिमाइंडर मैंने इतना पढ़ा दिया है अब इस मेंस के क्वेश्चन को आप जो है वो बना सकते हैं सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि तीन के पावर इतने को आपने पांच के साथ भाग किया है और चार के पावर इतने को आपने इसके साथ भाग किया है सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे ठीक है ताकि हम पकड़ पाए कि हाँ हम सवाल को बना सकते हैं और आसानी में बना सकते हैं ठीक है तो इंडिविजुअल लेवल पर पकड़ेंगे तो कन्फ्यूजन जो है वो हमें नहीं रहेगा समझ रहे हैं आप लोग ठीक है अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है क्या क्या पूछा गया है तो तीन का पावर कितना पूछा गया है थोड़ा वहां लोगो है मैं नीचे लिख देता हूं तीन का पावर छह सौ बारह चौरासी तीन का पावर छे सौ बारह चौरासी को आप पांच के साथ भाग करिए और उसके बाद हमसे कहा गया यहाँ पर कि चार के पावर ठीक है चार के पावर छानबे को बहुत आसान है चार के पावर किसको छानबे को जो है आप यहाँ पर छे के साथ भाग करिए हमने कहा ठीक है सर हम पता करते हैं यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर तीन का कौन सा ऐसा पावर है जो पांच के पहाड़े से या तो एक कम है नहीं तो एक ज्यादा है तो हमने कहा तीन का स्क्वायर तीन का स्क्वायर कितना होता है तो तीन का स्क्वायर नौ होता है नौ पांच के पहाड़े से कम होता है तो हम इसको तोड़ेंगे तीन के स्क्वायर में यानी तीन का पावर दो और जब पावर में दो आएगा तो इसको दो से भाग कर दो तो छ को दो से भाग करोगे तीन बारह को करोगे तो आ जाएगा आपका ठीक है छे चार दो तीस हजार छ सौ बयालीस इकसठ हजार दो सौ चौरासी ठीक है इसको हमें किसके साथ भाग करना है पांच के साथ तीन का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन और माइनस वन का पावर बच्चे क्या है तो इवन है यानी आंसर कितना आना है वन आना है तो इस वाले पार्ट का आंसर कितना आना है तो वन आना है अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं

चार का पावर अगर मानो यहां पर है ना तो हमेशा चार का पावर चाहे कितना भी रख लो आंसर कितना आना है छे से भाग करने के बाद चार आना है कंफर्म है बताओ बोलो चार के पावर को आप कितना भी रख लो चार के पावर को आप कितना भी रख लो देखो चार का पावर से भाग करोगे तो भी प्लस का फोर आएगा चार के स्क्वायर को छे के साथ भाग करोगे तो भी फोर आएगा चार के क्यूब को छ के साथ भाग करोगे तो भी फोर आएगा चार के पावर चार को भाग करोगे तो भी आपका कितना आना है चार चौके सोलह और चार चौके सोलह ठीक है बिल्कुल चार ही आना है यानी हमेशा हम चार के पावर को कितने से भी छह से भाग कर लेंगे हमारा आंसर कितना आना है चार ही आना है बाकी अगर आप डिवाइड करके चाहते हो कि नहीं सर हम तो डिवाइड करके देखेंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहले हमने इसको दो से काटा फिर हमने यहाँ पर देखो दोनों जगह दो से काटा दो से काटा तो आ गया इतना अब दो को जब हम तीन के साथ भाग करेंगे तो दो को तीन के साथ भाग करेंगे तो माइनस वन माइनस वन का पावर जो है यहाँ पर देखो अब दो का पावर ये कितना हो गया 96 हो गया उसको मुझे तीन के साथ भाग करना है यानी हम कहेंगे माइनस वन का पावर 96 यानी हमारा आ जाएगा वन और लास्ट में जो है हमने किसके साथ यहाँ पर इसको यार कुछ गड़बड़ आ रहा है यार चार के पावर को एक बार देखते हैं ना सारे के सारे को डिवाइड करके चार का पावर एक है जब उसको छह के साथ किया है तो चार आएगा चार का स्क्वायर है सोलह सोलह को जब हम करेंगे छह के साथ तो बोलेंगे सर छः दो बारह चार ही आएगा चार का क्यूब हो गया हमारे पास चौंसठ चौंसठ को साठ प्लस चार आएगा चार के पावर चार को जब हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सोलह इंटू सोलह यानी छः को छोनी बारह प्लस चार और प्लस चार फिर सोलह फिर यहाँ पर चार ही आना है तो फिर यहाँ ऐसे कैसे आ रहा है अगर हमने दो को दो के साथ किया है दो को तीन के साथ किया है तो ये हमारा माइनस का पावर कितना आ गया माइनस का पावर नाइनटी आ गया मतलब वन आ गया और वापस से हम अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर तो यहाँ कुछ और आ रहा है फोर आएगा ना सही तो है सही तो है यहाँ पे चार का पावर चाहे आप दुनिया में कितना भी रख लो जैसे फोर के पावर नाइन्टी सिक्स को डिवाइड करने की बात कही गई है छः के साथ तो फोर का पावर कितना भी रहे छः से भाग करने पर कितना देगा सॉरी तो चार ही देगा कितना देगा तो चार ही देगा यानी ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई एक्स की और ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई वाई की सवाल में हमसे कहा गया है टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताओ एक्स की वैल्यू हमारी वन है तो टू हो गया और वाई की वैल्यू फोर है तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर टू माइनस फोर आंसर कितना आना है माइनस टू आना है ऑप्शन नंबर सी फोर करेक्ट आंसर ठीक है तो है तो सिंपल क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर तीन के पावर इतने पांच को किया गया था तो हमने कहा सर वन आना है यहाँ पर किया गया तो फोर आना है और जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ठीक है जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया मेरे भाई कोई परेशानी की बात है किसी को बताओ <laughs>

जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया ठीक है आप ऐसे समझो कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ए का पावर देखो ए का पावर वन रखते हो आप प्लस बी का पावर वन क्या ये डिविजिबल है ए प्लस बी से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि अगर ए के पावर को दो रखते हैं बी के पावर को दो रखते हैं तो क्या ये ए प्लस बी से डिविजिबल है तीसरा जो सवाल हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि अगर हम ए के पावर तीन को बी के पावर तीन के साथ हम डिवाइड करते हैं ए प्लस बी से तो क्या ये डिविजिबल है मानिए हमारे सामने तीन केसेस दिए गए ठीक है तीन केसेस दिए गए हमारे सामने और तीन केसेस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यार बताओ तो हमने कहा सर A plus B, A plus B, A plus B से डिविजिबल है पावर तो हाँ, uh, यहां पर इवन है और मैंने क्या कहा था कि अगर पावर ऑड हो तो ये ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा मतलब ये संख्या नहीं होगी उसी तरीके से एक्यू प्लस बीक्यूब एक य्यू प्लस बीक्यूब को अगर आप सही से लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी हमारा यानी हाँ डिविजिबल है तो यही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सीधा बता रहा था कि जब भी ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन हो वो हमेशा ठीक है ए प्लस बी से डिविजिबल होता है कब जब एन का पावर कितना हो ऑड हो जब एन की वैल्यू कितनी हो ऑड हो कुल मिलाकर इसमें चार केसेस बनते हैं और वो चारों के चारों केसेस क्या बनते हैं वो आप ध्यान रख लेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे बस मैं इतना बोलूंगा फोर केसेस और फोर केसेस को आपको याद करके रखना है पावर के केसेस में ताकि जब आपको क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए तो आपको याद हो जाए क्या क्या, क्या केसेस बन सकते हैं पहली बात तो केस बन सकता है ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन में कि भैया ये दो संख्याओं से डिविजिबल होगा ठीक है ए प्लस बी और उसके बाद हम कहेंगे ए माइनस बी ठीक है कब जब यहाँ वाला जो केस ए प्लस बी माइनस बी वेन यहां पर हम कहेंगे एन इज ऑड ठीक है यहाँ पर एन जो होगा वो क्या होगा ऑड होगा दूसरा अगर हम एन के इवन मान को लेते हैं अगर हम एन के इवन मान को लेते हैं तो सेम केस में उस केस में e क्या ए e का पावर एन प्लस बी का पावर एन जो है वो किससे डिविजिबल होगा ए प्लस बी से होगा हो या ए माइनस बी के साथ होगा ये चार केसेस आपके बड़े खूबसूरत से पेपर में पूछे जाते हैं कि ए का पावर एन प्लस बी का पावर और, A plus B, A minus B. A का पावर डिविजिबल है और, और दो केसेज में जब एना ऑड है या एन एन किसमें लागू होगा किस में नहीं होगा मैं चाहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ ले जिससे मानो ए कोई संख्या ले लेते हैं लेट ए का मान हम कितना मान लेते हैं दो मान लेते हैं और बी का मान वन मान

ठीक है कोई और वैल्यू लो आप आप वन में लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे मैं चाहता हूं कि आप यहां पर कोई वैल्यू लेकर सेटिस्फाई करो मानो यहां पर ए के मान को आपने तीन माना है और बी के मान को जो है आपने कितना मान लिया तो बी के मान को जो है आप एक पल के लिए एक काम करो ना कुछ ए की वैल्यू को चार मान लो और बी की वैल्यू को आप दो मान लो ठीक है ए की वैल्यू को चार मान लो बी की वैल्यू को दो मान लो जब आप एन को जो है ना ऑड लोगे बच्चे जब आप एन को ऑड लोगे तो एन की वैल्यू को ऑड में वन ले लेना अब मैंने कहा आपसे मैंने कहा आपसे कि आप जो है चार के पावर को वन को प्लस दो के पावर वन को देखो तो कितना आ रहा है छ आ रहा है क्या छे जो है ए प्लस बी से डिविजिबल है तो बोलेंगे हाँ सर ए प्लस बी से डिविजिबल है ठीक है उसके बाद हमने कहा आपसे कि जब आप वैल्यू को ऑर्ड लिए थे यानी यहाँ पर लिए थे फिर देखो यहाँ पर ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन आएगा क्या छे जो है फोर माइनस टू टू से डिविजिबल है तो बोलोगे हाँ सर डिविजिबल है तो इसको भी टिक कर दोगे लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी के कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या ये सारे केसेस में ऐसा होता है जैसे मानो कि अगर हम ए के मान को पांच लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और बी के मान को हम कितना लेते हैं बच्चे बी के मान को मानो हम दो लेते हैं तो हमने कहा पांच का पावर जो है मानो दो और दो का पावर दो क्या ये तीन से डिविजिबल होगा ए माइनस बी से डिविजिबल होगा तो पांच का स्क्वायर होता है कितना पच्चीस और दो का स्क्वायर होता है चार ये तीन से डिविजिबल है तो उनतीस तीन से डिविजिबल है कभी नहीं है यानी मैं आपको सीधा सीधा मोटा मोटा जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूं हमेशा इस बात को ध्यान रखना वैल्यूज लेकर करोगे सौ प्रूफ करोगे सौ तरीकों से करोगे आपको अल्टीमेट फाइनली जो है रिजल्ट मिलना है वो यही मिलना है समझना बस दो तो मिनट के लिए अगले मेरे बात को जो है कान खोलकर बड़े ध्यान से समझना की जब ए का पावर एन को बी के पावर एन के साथ हम भाग करने जाते हैं किस से? A plus B से और ए माइनस बी से तो यह ए प्लस बी से डिविजिबल हो जाता है लेकिन यह ए माइनस बी के साथ नहीं होता कब मेरे भाई यहां पर तो जब N odd होता है जब ऑड होता है यानी जब यहाँ ऑड पावर लगे होते हैं तो ये ए प्लस बी से डिविजिबल हो जाता है ए माइनस बी से डिविजिबल नहीं होता इसका खूबसूरत एग्जांपल आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से तो डिविजिबल है लेकिन से डिविजिबल नहीं है ये आप अच्छे से बात जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यूब ए से कट जाएगा लेकिन से नहीं कटेगा अब आ जाइए जब इवन हो हमारा एन इवन हो मतलब आप ऐसे समझ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कभी जीवन में कभी भी ए प्लस बी काट पाएगा तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट पाएगा काट पाएगा मेरे भाई नहीं काट पाएगा ठीक है चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या जो है आपको ए माइनस बी काट पाएगा बताओ यहां पर ठीक है मैथबुक कब आएगी मैथबुक कब आएगी ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है कब आएगी उसके बाद यहाँ पर देखो तो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन जो है कि तो किसके साथ करते हुए तो हम बोलेंगे सर यहां पर ए माइनस बी के साथ करते हुए चार केसेस में आपके कितने केसेस मैंने डील करवा दिए दो केसेस डील करवा दिए बताइए का पावर एन बी का पावर एन ए प्लस बी ए माइनस बी ए का पावर एन बी का पावर एन ए प्लस बी ए B हो गया हर केसेस में इस केस में में हमने कहा से 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 तो 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 कट कट जाता जाता है है नहीं नहीं कटता कटता दो 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 केसेस 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 हो गए अब हमारे दो और आएंगे। और दो और आएंगे आएंगे तो सिंपल पर हम बोलेंगे सर इन दो में क्या था प्लस था प्लस था अब जो हमारा केस आएगा ना उसमें क्या रहेगा, तो माँणस और माँणस रहेगा। यहां पर केसेस में तो हम बोलेंगे सर जब एन रहे रहे अब मैं आपको याद दिलाता क्या से कभी भी कटेगा नहीं कटेगा माइनस बी से ही कटेगा क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे ठीक है कब जब एन ऑड था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से कटेगा और ए माइनस बी से कटेगा दोनों से कटेगा अगर यहां पर आप जो है यहां पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी इंटू बोलेंगे सर ए प्लस बी यानी ये इससे भी कटने वाला है और ये इससे भी कटने वाला है अगर हम यहां पर पावर को चार रखते हैं a के पावर चार माइनस बी का पावर चार तो वापस से आप इसमें तोड़ोगे तो बोलोगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर

माइनस में आओगे जब एन इवन होगा तो दोनों से कटेगा कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं पेपर में जो आपको देना होता है आंसर जैसे मानो आपके पेपर में बच्चे क्या पूछेगा आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि दो का पावर है मानो एक और तीन का पावर है एक क्या ये पांच से डिविजिबल है आप बोलोगे सर ये हलवा क्वेश्चन पूछ दिए लेकिन अगर इसी सवाल को पेपर में ऐसे पूछा जाता कि दो का पावर सत्ताईस प्लस तीन का पावर सत्ताईस को अगर हम पांच के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा आपने कहा सर देखो ए का पावर एन ठीक है यहां पर समझना मेरी बात को बस पावर ऑड होना चाहिए और कुछ नहीं तो बोला सर ए का पावर एन प्लस ये कितना है तो बी का पावर एन डिविजिबल बाई ए प्लस बी यहाँ पर अगर देखोगे तो दो प्लस तीन ही तो पांच बना रहा है ये हम हमेशा डिविजिबल है इससे कब जब एन जो होता है हमारा ऑड होता है जब एन जो होता है मेरे भाई यहां पर क्या होता है ऑड होता है तो आपने कहा हाँ सर ये हंड्रेड परसेंट डिविजल है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये ऑड है अगर ये ऑड है, है तो ये पांच से कट जाएगा पांच से कट जाएगा तो सर कुछ रिमाइंडर देगा ही नहीं ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए अगर मैं यहाँ इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दूं और मैं यहाँ पर क्या कर दूं मैं यहाँ पर ये जो है दो के पावर को कितना कर दूं छ कर दूं और तीन के पावर को भी मैं यहाँ पर छब्बीस कर दूं और तब मैं कहूं कि क्या आप इसको पांच से डिवाइड कर पाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे दो के पावर आप छब्बीस को पांच के साथ डिवाइड करिए अलग तरीके से देखिए आप सोल्व करिए दो के पावर किसको दो के पावर को आप छब्बीस को जो है आप पांच के साथ डिवाइड करिए और साथ में

-1 का पावर जो है यहाँ पर तेरह यानी बोलेंगे सर कुछ तो बच रहा है और जब रिमाइंडर बच रहा है तो क्या संख्या विभाजित होती है तो नहीं होती है नॉट डिविजिबल यही केस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ए का पावर एन प्लस बी के पावर एन को जब हम ए प्लस बी के साथ डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा तब जब एन ऑड होगा लेकिन जब एन इवन होगा ना तो वो नहीं डिवाइड होगा जाकर कुछ रिमाइंडर देगा जाकर कुछ रिमाइंडर देगा समझ में आ गया बात यहाँ पे इसी के ऊपर पेपर में कई भोकाल भोकाल सवाल पूछे गए हैं सात का पावर तेरह प्लस यहाँ पर पांच का पावर तेरह ठीक है फिर यहां पर आपसे कहा गया है हो गया सात पांच बारह एक सेकंड रुकेंगे फिर ग्यारह का एक, एक सेकेंड क्या हो गया फिर ग्यारह सात का पांच तेरह पांच का पावर तेरह फिर ग्यारह का पावर तेरह क्या ये हमारा जो है ठीक है पांच ठीक है, क्या हमारा से है आप बोलेंगे बिल्कुल डिविजिबल है सर क्योंकि सात प्लस पांच बारह बारह और ग्यारह कितना होता है तो बोलेंगे बारह और ग्यारह जो होता है सर तेईस होता है ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन प्लस सी का पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इफ एन इज ऑड यानी सर ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा डिविजिबल और डिविजिबल हो जाएगा तो सर कोई रिमाइंडर देगा ही नहीं समझ में आ गया तो मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया देखो बच्चे मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया आप सही से देखेंगे सीजल के मेंस में तो सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप एक के पावर संतानवे को और संतानवे के पावर संतानवे को आप बत्तीस से भाग करके देखें तो आपने कहा सर देखो एक और सन्तानबे को हम जरा जोड़ते हैं तो सात और सात चौदह आ गया ठीक है नौ दो ग्यारह और एक बारह आ गया और एक और एक कितना हो गया दो क्या दो सौ चौबीस जो है ये बत्तीस से कटता है तो आप बोलेंगे सर एक बार काट के देखते हैं सात का दो गुना चौदह सात का तीन गुना इक्कीस और एक बाईस हाँ सर बत्तीस इसको काटता है यानी आपसे कहा गया था वन के पावर नाइनटी प्लस यहां पर 97 के पावर के 97 को किससे डिवाइड करने को तो 32 से आपने कहा सर जब ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन ठीक है ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी या ए प्लस बी के फैक्टर से इफ एन इज ऑड अगर हमारा एन ऑड होता है तो, तो हमने कहा कि इसका जो सम है, वो बत्तीस से कट जा रहा है और जो भी समय तो पूरी की पूरी संख्या जीरो कितने सेकेंड का सवाल था बताओ एक सेकेंड मात्र कि का पावर एन प्लस बी का पावर एन इज ऑलवेज डिविजल बाई ए प्लस बी इफ एन इज ऑड इफ एन इज ऑड क्लियर है ये बात यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर पचास में क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर पचास में आपसे कहा गया है कि पांच का पावर सत्तर ठीक है प्लस सात के पावर सत्तर को जब आप यहाँ पर पांच के पावर सत्तर और सात के पावर सत्तर को जब आप चौहत्तर के साथ डिवाइड करते हो जब आप चौहत्तर के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है हमने कहा थोड़ा सा इसको परिवर्तित करो नीचे a प्लस बी दिया है और बच्चों के मन में क्या रहता है पता है बच्चों के मन में रहता है कि पांच और सात तो बारह आ रहे हैं आप मूर्ख इंसान हो फिर अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपको पता है क्या सोचना चाहिए यार पांच का स्क्वायर करते हैं पांच का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा पैंतीस बच जाएगा ठीक है और यहां भी हम क्या करते हैं सात का स्क्वायर करते हैं क्योंकि पावर को हम सेम ही रखेंगे तो पैंतीस बचेगा भाग करेंगे किसके चौहत्तर के साथ पांच का स्क्वायर पता है कितना होता है पच्चीस 25 का पावर कितना आ जाए 35 आ जाए और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 का पावर कितना आ जाए 35 हो जाए डिविजिबल बाय 74 अगर आपका एग्जामिनर सीधा ये सवाल देता ना सीधा का सीधा ये सवाल देता उस केस में आप तुरंत लपक के पकड़ के बोलते कि 49 और 25 को जोड़ने पर 74 आता है और a का पावर n b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a b अगर n हो, लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया उसने इसी सवाल को थोड़ा किसी और रूप में दिया था तो कभी ऐसे पर स्क्वायर सात का स्क्वायर चौहत्तर बनाएगा क्या पांच का क्यूब सात का क्यूब चौहत्तर बनाएगा पांच का पावर चार सात का पावर चार कितना क्या चौहत्तर बनाएगा इस आधार पर आप उसको सोचते कि इस तरीके से पावर भी हमारा सेम रहे और इनको जोड़ने पे 74 आ जाए तो अब 25 का पावर 35 49 का पावर 35 74 से डिविजिबल है हां जी है तो रिमाइंडर कितना देगा जीरो देगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आ गया भाई आ जाओ चलो अगला सवाल देखो 77 का पावर बोलेंगे 77 जमा 77 इससे डिवाइड करना है तो बोलेंगे सर 78 के साथ हमने आपसे कहा कि ये संख्या देखो माइनस वन इससे कितना कम है माइनस और माइनस वन का पावर कितना है तो 77 है प्लस जब इस संख्या को भाग करोगे तो रिमाइंडर या तो आपका माइनस वन आ जाएगा ठीक है या फिर प्लस का 77 रहेगा मैंने कहा ही रहने दो क्या फर्क पड़ता है माइनस का पावर आप कुछ भी रख लो अगर रखोगे तो तो आना आना माइनस माइनस है और का इवन रखते तो आना इतना है तो बोलोगे सेवनटी सेवन में से वन गया तो कितना आ जाएगा सेवनटी सिक्स आ जाएगा करेक्ट आंसर कितना होगा 76. अगर कोई बच्चा कहता है कि, सर यहां पर भी आपको माइनस वन मिलेगा यहां पर भी माइनस वन मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे माइनस वन और माइनस वन मिलकर -2 हमारे हो जाते और फिर 78 में से दो घटा देते तो कितना कितना आ आ आ जाता? आ जाता। यानी पर ठीक ठीक है। आंसर हो हो जाएगा? 76 हो जाएगा। जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जब तुम पच्चीस के पावर पच्चीस को तुम किसके साथ डिवाइड करोगे 9 के साथ. तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा बताओ ठीक है अब हमें यहां पर 25 के एक ऐसे पावर को लेना है जो नौ के पहाड़े के करीब में है जैसे 25 का पावर वन हो गया तो नहीं हो सकता 25 का अगर हम स्क्वायर कर दे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 ठीक है 625 क्या वो नौ के पहाड़े के करीब में जाएगा तो हो सकता है नहीं जाए तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे आप बताइए है पच्चीस की पावर पच्चीस उसको जब हम जो है नौ से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा बताइए सोचिए थोड़ा बुद्धि लगाइए इसी में सारे के सारे नियम आते हैं आपके फर्नाट्स थ्योरम कार्पेट थ्योरम लिटिल थ्योरम फलाना थ्योरम ये थ्योरम वो थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके अच्छे अच्छे सारे, सारे क्वेश्चन सारे दिख रहा है छोटा तो सा पार्ट रह गया और ये बहुत आसान पार्ट है मतलब इस पार्ट को जो है ना दो क्लासेस मुझे लगता है कि दो क्लासेस में ये तो अगले खत्म हो जाना है आपके ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है मुझे लग रहा है एक या दो क्लासेस मैक्सिमम होगी ठीक है एक या दो क्लासेस जो होंगी वो मैक्सिमम होंगी और एक से दो क्लासेस में जो है हम इनको खत्म कर सकते हैं तो आज के लिए मैं रहने देता हूं इसको इतना ही ठीक है अगली क्लास में जो है हम पूरा का पूरा सीखेंगे अच्छे से सीखेंगे और भी जितने कंसेप्ट हमारे बने हम सबको सीखेंगे बड़े बेहतर तरीके से ठीक है तो आज के लिए इतना काफ़ी है मिलेंगे आपको अगली क्लास में और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है मुझे आपको ये बताना है कि अभी से एक वीक तक आप लोगों की क्लासेस ऑफ तो रहेगी ठीक है ऑफ़ इसीलिए रहेगी क्योंकि जो है मुझे किसी रीज़न की वजह से घर जाना पड़ रहा है बहुत अर्जेंट है ठीक है और घर जाना है तो मतलब इस वजह से जो है आप लोगों की क्लासेस मुझे ऑफ करनी पड़ेगी मैं बिहार जा रहा हूँ काफ़ी समय हो गया अपने घर गए हुए एक डेढ़ साल हो गए हैं तो जितना हमने आपको कराया है आप उसको पूरा रिवाइज करिएगा अच्छे से और बाकी आने के बाद तुरंत आपकी दो क्लासेस में लेकर इसको हम खत्म कर देंगे ठीक है चलिए रिवीजन करते रहिए एक या दो तारीख से आप लोग की क्लासेस दो के बाद क्लासेस आप लोग की कंटिन्यू हो जाएंगे ठीक तो जितना हमने पढ़ाया है आप उसको पहले रिवाइज करिए बार बार रिवाइज करिए ठीक है और रिविज़न पर पूरा फोकस करिए ठीक गुलशन कुमार कोई कमेंट मैंने ऑफ नहीं किया है कमेंट ऑन है आप बताइए मैं बढ़ाते वक्त कमेंट नहीं देखता ना पता तो है आपको ये बात अच्छे से राहुल सिंह कहते हैं क्वेश्चन नंबर छत्तीस कोई बात नहीं राहुल क्वेश्चन नंबर छत्तीस को आप प्रयास करना नहीं बनेगा तो अगले क्लास में देख लेंगे क्या जा रहा है कुछ जा थोड़ी रहा है बताओ ठीक है ध्यान रखो चलो खुश रहो मस्त रहो लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय